थाना क्षेत्र में एक वकील के घर में चोरी करने वाले मध्य प्रदेश के फरार आरोपी को पुलिस ने करीब 6 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मध्य प्रदेश बरघाट निवासी सोहेल सोनूलाल पंचवेश्वर सेंट्रल जेल का फरार कैदी है। लैपटॉप चोरी मामले में वह नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद था। कोरोना काल में कुछ समय के लिए छोड़े गए कैदियों में यह भी शामिल था। समय सीमा समाप्त होने के बाद सोहेल जेल जाने के बजाय फरार हो गया था और पहचान छिपाकर सिवनी के अति दुर्गम क्षेत्र के गांव में रह रहा था। सकरधरा पुलिस ने इसे आखिरकार खोज निकाला। पुलिस के अनुसार न्यू सुबेदार लेआउट सकरधरा निवासी एडवोकेट सुरेंद्र चिंच बनकर के घर में करीब 6 महीने पहले चोरी हुई थी। सकरधरा पुलिस ने शिकायत में चोरी का मामला भी दर्ज किया था। कार्रवाई में घटनास्थल के आसपास के फुटेज खंगाले गए थे। फुटेज के आधार पर आरोपी सोहेल का पता लग गया है। अधिकारियों के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के जेवनारा स्थित जेवनारा में सोहेल तक बरघाट थाना क्षेत्र में वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से खोज करते हुए छिपे आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं। जी घटना गेले सप्टेंबर महिन्यातली आहे। दिवसाची घरफोडी झालेली आहे। पाऊस चालू होता त्या दिवशी पूर्ण दिवसभर आणि त्या दिवशी ही घटना झालेली आहे। दिनांक 11/9/22 सकाळी 11:30 ते 16:00 दरम्यान झालेली आहे। सुभेदार लेआउट न्यू सुभेदार लेआउट ॲडव्होकेट सुरेंद्र चिंचबनकर यांच्या घरात ही घरफोडी आरोपीने केलेली होती। अतिशय चिकाटीने तपास करून सकरधरा पोलीस स्टेशनच्या टीमने हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। 5 महिन्यापासून अथक अशा पद्धतीने तांत्रिक तपास आणि त्याचबरोबर गुप्त बातमीदार यांच्या सहाय्याने हा गुन्हा उघड झालेला आहे। याच्यामध्ये आरोपीने गुन्ह्यात रोख रक्कम घरातून घरफोडी करून चोरी करून नेली होती। त्या घरफोडीच्या रकमेत चोरीच्या रकमेतून त्याने ऊसाचा रस काढण्याचं एक मशीन खरेदी केली आहे। तसेच होम थिएटर मोबाईल हँडसेट आणि हेअर ड्रायर मशीन अशा वस्तू त्याने खरेदी करून मध्य प्रदेशात त्याच्या गावात एका दुर्गम अशा गावामध्ये जाऊन तो लपून बसलेला होता। अतिशय चिकाटीने तपास करून आमच्या टीमने या गुन्ह्याचा शोध लावलेला आहे आणि गुन्हा उघड करून दाखवलेला आहे।